हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत सा येलो हिबिस्कस खिला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो जनवरी मंथ में गार्डन का ओवरव्यू, तो किस तरह से क्या क्या खिल रहा है और क्या क्या कुछ ख़राब हो रहा है, तो वही आपके साथ शेयर करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए। तो और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हिबिस्कस पिंक वाला थोड़ा छोटा हो गया है, बहुत तेज़ ठंड हो रही है। और जनवरी की 5 तारीख है दोस्तों, और बर्ड्स तो काफ़ी आई हैं, देखिए काफ़ी सारी आई हैं। और फूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है, बहुत बड़ा था बट थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड हो रही है और धूप का तो नाम नहीं है दो तीन दिन से। तो काफ़ी ठंड है हमारे यहाँ झांसी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कलियाँ बहुत सारी ढेरों बन रही हैं, ये देखिए काफ़ी कलियाँ हैं हिबिस्कस में। और जो मैंने लास्ट में कुछ दिनों बाद ये गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, तो लेट इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, देर देर से कटिंग लगाने का ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, कि काफ़ी टाइम बाद भी हमारे यहाँ गुलदाउदी खिले रहते हैं, तो लंबे समय तक ऐसे ही गुलदाउदी आप पा सकते हैं अपने गार्डन में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नींबू, तो नींबू भी काफ़ी सारे इसमें लगे हुए हैं, और पत्ते तो कुछ झड़ गए हैं बट ये देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। देखिए वहाँ पे भी इतने सारे, 4-5 वहाँ पे लगे हुए हैं, और काफ़ी सारे नींबू हैं और पत्ते इसके झड़ गए हैं, और नींबू भी निकल रहे हैं। देखिए फूल, यहाँ पर फूल भी बन रहे हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे से नींबू भी बन रहे हैं, देख सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए वाइट हिबिस्कस, इसका तो देखिए छोटा सा साइज हो गया है बट खिल तो बहुत रहे हैं। और कलियाँ देखिए कितनी सारी ढेर आ रही हैं, बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे वाइट जो मेरा गुलाब रखा हुआ है, वो इस तरह से है, कुछ खिल रहा है, अच्छा खासा खिल रहा है। और यहाँ पे कैलेंडुला है, तो कैलेंडुला में कलियाँ बन रही हैं, और कुछ कैलेंडुला में तो कलियाँ आ भी गई हैं, फूल भी खिल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मेरे परमानेंट प्लांट हैं, इनकी कुछ हालत ऐसी हो रही है, क्योंकि बहुत ओस गिरती है और धूप कम है, इसलिए ये थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। और ये मेरे एनुअल क्रिसेंथेमम बहुत अच्छे से जो चल रहे हैं, कुछ कुछ ख़राब भी होने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है, ओस से फूल की लाइफ कम हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से ये खिले हुए हैं, तो अब ये धीरे धीरे इनका टाइम ख़त्म हो रहा है। और जो मैंने लेट कटिंग लगाई थी, वो उनमें अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है, और कुछ में तो अभी कलियाँ भी बन रही हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। ये एनुअल क्रिसेंथेमम है, तो इसमें भी कलियाँ बनने लगी हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें अच्छे से कलियाँ बनने लगी हैं। और इस बार मैंने जो वो लगाए थे, सॉरी, तो मेरे इस बार कॉस्मोस तो सारे गिलहरियों ने खा लिए दोस्तों, पता ही नहीं कॉस्मोस कहाँ हैं, थोड़े से ही प्लांट बचे हैं कॉस्मोस के, कुछ एक प्लांट ही रह गए हैं। और यहाँ पे देखिए एनुअल क्रिसेंथेमम तो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, और यहाँ पर मैंने अपने टमाटर के प्लांट रख दिए हैं, और जो डहलिया ट्रांसप्लांट किए थे वो देखिए अच्छे से चल रहे हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा मैं खाद दे दूंगी, अब मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी थी, पुराने गमले की मिट्टी में सब रिपोर्ट किया था। और यहाँ पे पॉपी प्लांट है जो रिपोर्ट किया था, वो अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों मेरी सारी कटिंग लगी हुई है, जो मैं हॉस्पिटल से जर्मनी हॉस्पिटल से लेके आई थी, तो गुड़हल की कटिंग तो बहुत अच्छे लग गई है, और कुछ कटिंग मेरी सूख भी गई है। और यहाँ पर ये देखिए बोगनविला की भी कटिंग लग गई है, और तो कटिंग कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे कैलेंडुला देखिए दोस्तों, तो कैलेंडुला तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखिए, और अभी धूप नहीं है इसलिए पूरा नहीं खिला हुआ है, थोड़े से बंद है, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों कैलेंडुला। आपने भी कैलेंडुला लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये सब खिल रहे हैं, ये लाल वाले गेंदे जिनको हम गेंदी बोलते हैं, तो ये भी अच्छे से जाफरी मैरीगोल्ड है, ये भी अच्छे से खिल रहे हैं। और यहाँ पे भी डहलिया लगा हुआ है, तो दोस्तों अभी तो काफ़ी कुछ खिलना भी बाकी है। पॉपी हैं, डॉग फ्लावर हैं, इनमें अभी कलियाँ अभी नहीं आई हैं, और शायद डॉग फ्लावर में जो मैंने सीड से लगाए थे वो डॉग फ्लावर में कलियाँ बनने लगी हैं। और यहाँ पे ये देखिए पिटूनिया, पिटूनिया काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग पे है। तो और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये गुलदाउदी ख़राब होने लगे हैं, तो ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पर रात रानी देखिए फुल ब्लूमिंग पे, कितने अच्छे से खूबसूरत से फूल आए हुए हैं, देखिए देख सकते हैं प्यारे लग रहे हैं।
काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है इनकी, रात रानी की। और यहाँ पे सब इस तरह चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेरे गुलदाउदी यहाँ पे भी लगे हुए हैं। अगर दोस्तों आपके पास छाया अगर हो सके तो थोड़ा सा साइड इनको दे दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से चलेंगे। साइड में बहुत अच्छे से चलते हैं ये, क्योंकि थोड़ा धूप भी चाहिए है, लेकिन इनको पानी और थोड़ा उससे अगर हम इनको बचा लेंगे तो और अच्छे से चलेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से चल रहा है गार्डन। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको स्टैकिंग नहीं दी, कोई सहारा नहीं दिया, इसलिए ये पूरा देखिए झुक गए हैं। और इनको हम बांध देते हैं। ये मेरे पास गार्डन में न्यू कलर है, मैं इस बार इसकी कटिंग ज़्यादा लगाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर लग रहा है, इसको मैं अभी स्टैकिंग से इसको बांध देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए डहलिया में अब कली बनने लगी हैं। मैंने इसकी अभी तक पिंचिंग की, अभी बस एक हफ्ते से बंद कर दिया है, तो अब इसमें कलियाँ बनने लगी हैं। अब आप भी अगर पिंच अभी भी कर रहे हो तो आप मत कीजिए डहलिया में। और यहाँ पे देखिए मेरा जो डॉग है, तो ये देखिए खा लिया, ये पत्तियाँ पता नहीं क्यों खा लेता है। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा कॉस्मोस खिला हुआ है, बहुत प्यारा है। और बड़ी मुश्किल से एक ही बच पाया है कॉस्मोस का प्लांट, और एक आध और है, गिलहरियों ने इस बार सब खराब करके रखा है। ये दोस्तों बहुत प्यारे लग रहे हैं कैलेंडुला। यहाँ पे एक जेबलिन हॉलीहॉक का प्लांट भी निकल आया है, तो मैंने इसी में रहने दिया है, छोटा सा प्लांटर है तो इसी में लगा है। और यहाँ पे देखिए जरबीरा, कितने सारे जरबीरा खिले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी धूप आएगी तो ये बिल्कुल से ऐसे हो जाएंगे सीधे, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सारे खिले हुए हैं। और ये मेरा काफ़ी पुराना जरबीरा प्लांट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगा हुआ है। और ये सीड से ही सारे प्लांट मैंने तैयार किए हैं दोस्तों, एनिमल क्रैशेंथेमम है, गुलदाउदी है, सारे मेरे सीड से ही तैयार प्लांट है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे जो कैलेंचो लगाए थे तो उनमें भी अब कलियाँ बनने लगी हैं। और देखिए डीएपी का जो मैंने खाद दी थी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, देखिए काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं। और यहाँ छोटी सी एक कटिंग लगाई थी मैंने बिनका की, ये वही प्लांट है बिनका का है जो कटिंग से तैयार है। और पानी तो आजकल देना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि धूप ही नहीं रहती है, और एक दिन पानी दे दो तो दो तीन दिन तक मिट्टी बिल्कुल ऐसे गीली रहती है। और देखिए कैलेंचो में अब कलियाँ बनने लगी हैं, आपके यहाँ भी कैलेंचो में कलियाँ बनने लगी होंगी, अगर बन रही है तो कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ बन रही है कलियाँ या नहीं। अब इनमें फूल खिलेंगे कैलेंचो में, तो अभी तो नहीं खिल रहे हैं, बस बनने वाली है इसमें कलियाँ, बन गई हैं सॉरी, और खिल जाएंगे फूल, लंबे टाइम तक फूल खिले रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज गुलाब है मेरे पास, तो यहाँ पे भी कुछ गुलाब, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल डार्क मेहरून कलर का गुलाब है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से गुलाब खिले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे भी ये रेड, तो कुछ इस तरह से है गार्डन, ये देखिए कुछ इस तरह से है। और कैसा लगा आपको गार्डन कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि आप फर्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मैंने उस पर थोड़ा सा केयर किया है उसका, तो आपको दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। तो अब इसका ये रिज़ल्ट है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया है, तो एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो काफ़ी हेल्दी है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और मुझे इसको अभी रिपोर्टिंग करनी है। ये मेरा पोनीटेल पाम है, तो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा मिट्टी में दब गया है, तो इसको ऊपर करना है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे गुलदाउदी रखे हुए हैं। तो बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।